वेलकम टू GX फायर हार्ट। तो ये जो फिल्म है ये एक एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर फिल्म है। यहाँ पर मैंने थ्रिलर इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हमें आगे को देखने को मिलती हैं जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं थी, और ये फिल्म कुछ ऐसी धमाका निकल आई कि मतलब दिमाग से कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई ये फिल्म। जितना मैंने सोचा था ये फिल्म उससे कुछ ज़्यादा ही देकर चली गई, तो उसके बारे में तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो कहानी है वो कहानी है एक लड़की की जिसको एक फायर फाइटर या फिर फायरमैन बनने का है, लेकिन उसके पापा इसके लिए काफ़ी काफ़ी बार नाराज़ हो जाते हैं, कभी भी मानते नहीं हैं, पर वो कभी भी हार नहीं मानती है क्योंकि उसको किसी भी हाल में अपने पापा की तरह एक फायर फाइटर या फिर फायरमैन बनना ही है। अब वो कैसे अपने सपने को पूरा करेगी या फिर पूरा नहीं कर पाएगी, क्या क्या मुसीबतें आएंगी और कैसे वो अपना सपना साकार कर भी पाएगी या फिर नहीं, इसी को हमारे इस फिल्म के ज़रिए इस फायर हार्ट फिल्म के जरिए दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना, तो इस फिल्म को देखते हुए मेरे दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी मेरे दिमाग में, क्योंकि फिल्म की जो शुरुआत होती है उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म स्पेशली बच्चों को टारगेट कर रही होगी और ये फिल्म शायद बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है या फिर बच्चों के लिए ही है। तो मैं इस फिल्म को मतलब उतना उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहा था और मुझे फिल्म को देखने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है, लेंथ बढ़ते साथ ही ये फिल्म भी एक तरीके से एक बच्चे से अडल्ट ग्रुप में चली जाती है, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से फिल्म आगे बढ़ती जाती है ठीक वैसे ही यहाँ पर फिल्म में सस्पेंस थ्रिलर भी ऐड हो जाता है। फिल्म के एंड तक आते आते आप जो फिल्म देख रहे थे शुरुआत से लेकर आखिर तक, फिल्म कुछ अलग सा ही एक्सपीरियंस देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से जो सस्पेंस एंड में रिवील होता है वो तो मेरे लिए एकदम शॉकिंग ही था, क्योंकि फिल्म जो है वो हमें हल्के हल्के से आगे बढ़ाती है और अचानक से एक धमाका कर देती है कि एक तरीके से आपका दिमाग ही हिल जाता है। आप यही बोलोगे कि मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था और ये फिल्म कुछ ऐसी निकल आई। तो जिसको देख कर मुझे लगा कि ये फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है, ये फिल्म एक तरीके से देखा जाए तो सबके लिए है, सबको टारगेट करती है और एक अच्छा खासा मैसेज भी देती है ये फिल्म। और उसी वजह से मुझे लगा कि हाँ ये तो एक मस्ट वॉच फिल्म तो है ही है। फिल्म की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग फिल्म भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से जो फिल्म की स्टोरी है जो कि एक बच्चे की कहानी हमें दिखाती है, फिर वो कैसे फायर फाइटर या फिर फायरमैन बनने का सपना देखती है, वो पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, और एंड में जिस तरीके से हमें जो फीमेल फायरमैन या फिर फायर फाइटर्स की जो तस्वीरें या फिर फोटोज हमें एंड में दिखाई जाती हैं, तो उससे हमें मतलब एक तरीके से लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये फिल्म ट्रू इवेंट से या फिर एक तरीके से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है। और जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है, जिस तरीके से जो सारी मुसीबतें, जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम्स एक फ़ीमेल को फेस करनी पड़ती है इस तरीके के सिचुएशंस में, कि जहाँ जो दुनिया है वो एक तरफ चल रही होती है और आप कुछ अलग सा सोच लेकर आगे बढ़ते हो, तो इस समय क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, उसको इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया हमें गया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हालाँकि इस फिल्म में मुझे एक चीज़ मैंने मिस की है जो मुझे लगता है आप भी मिस करोगे, जो कि ज़्यादातर एनिमेटेड फिल्मों में होती ही है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से नहीं है, और वो है कॉमेडी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म की कहानी और बाकी सारी चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा तगड़ी हैं उस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी कमी खलने वाली है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो जिन लोगों को एक्शन एडवेंचर और सस्पेंस थ्रिलर वाला मज़ा उठाना है वो भी एक एनिमेटेड मूवी के ज़रिए, और अगर आप मेरी तरह एक एनिमेटेड मूवी लवर हो तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है। इस फिल्म को देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी करोगे, और ऊपर से फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को इन्जॉय कीजिए। बच्चे भी और बड़े भी, हर तरीके की ऑडियंस के लिए ये फिल्म बनी हुई है, और मुझे लगता है कि ऐसे में अगर एक अच्छी फिल्म आपके सामने निकल कर आती है और अगर आपके पास वक्त है ऐसी फिल्म को देखने का, इन्जॉय करने का, तो देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। जुहार।